નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે અંતરંગ. આજે એક એવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ કે જેમણે ઘણો સમય લાગ્યો, પરંતુ જ્યારથી લોકોની નજરમાં આવ્યા ત્યારથી લોકોની નજરમાં વસી ગયા, જિન્હોને કરોડો એક્ટિંગ કે ચાહકો કી દુનિયા મેં અપના જો સ્થાન હૈ બિલકુલ જમા દિયા, એસે નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી સાહેબ અમારે સાથે. આપકો ક્યા પસંદ લગતા હૈ જબ કોઈ બાત કરતા હૈ આપસે? નવાઝુદ્દીન કરકે બતાએ, નવાઝુદ્દીન જી બતાએ, સિદ્દીકી જી ક્યા, ઓર યા તો કોઈ સ્પેશિયલ પેટ નેમ જો બચપન મેં લોગ કહેતે થે આપકો? મુજે બચપન મેં નવાઝી કહેતે થે જી, ઓર ઉસી વોહી અચ્છા લગતા હૈ. ઓકે, નવાઝી નવાઝી નવાઝી, સબસે પહેલા સવાલ, આદમી મહેનત બહોત કરતા હૈ, રિકગ્નાઇઝ જબ હોને લગતા હૈ તો જ્યાદાતર બાતે ઉસકી જો તકલીફે વાલી હોતી હૈ ના વો ઇન્ટરવ્યુ મેં જ્યાદા પૂછતે હૈ કે ક્યા કિયે થે, વોચમેન બને થે, હા ભૂખે પેટ સોએ થે, બિના ટિકિટ સફર કિયા થા. કેસા લગતા હૈ જબ એસે સવાલ પૂછે જાતે, જબ સક્સેસ મિલ જાતા હૈ? જ્યાદાતર લોગ કોશિશ દો લોગો કી હોતી, ક્યોંકિ ઇસી શો મેં જો ભી સક્સેસ સેલિબ્રિટીઝ આતી હૈ, જ્યાદાતર લોકો કા યે કહેના હૈ કે એસી બાતે કહેને સે દેખને વાલો કો એક ઇન્સ્પિરેશન મિલતા હૈ કે કઠિનાઈઓ સે ભી ઉપર આકર આપ એક મકામ અપના અચીવ કર સકતે હો. ઓર કઈ આર્ટિસ્ટ કા યા તો જો સક્સેસ પર્સન્સ કા યે ભી કહેના હૈ કે વો બાતે ભૂલ ગઈ, લોગ અપની લોકપ્રિયતા પાને કે લિયે, પબ્લિસિટી પાને કે લિયે યે સબ બાતે કરતે. ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ નવાઝી ક્યા માનતે? નહીં, લોકપ્રિયતા તો મિલી ગઈ હૈ. अब अगर इस तरह की मैं बातें अगर कोई पूछेगा तो डेफिनेटली मैं अपने बारे में तो सच ही बताऊंगा ना, कोई झूठ तो बता नहीं सकता. जो मेरी लाइफ में जो हुआ है, ऑफकोर्स मेरी लाइफ में इस बहुत सारी दिक्कतें आई. बीइंग ए ट्रेंड एक्टर, हम ट्रेंड हो के आए थे बॉलीवुड में और अब 8-9 साल लग गए. तो डेफिनेटली 8-9 साल क्यों लग गए? एक डिजर्विंग कैंडिडेट तो थे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग भी ली थी और इतना सारा थिएटर किया था, उसके बावजूद भी इतने साल लग गए. तो इसलिए लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़ को लेके कि नहीं, एक एनर्जी मिलती है कि नहीं, अगर नवाज़ इतने साल बिना दिमाग ख़राब किए रह सकता है इस शहर में तो हम क्यों नहीं रह सकते. तो ऑफकोर्स वो एक टैलेंट, देखिए टैलेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उसको थोड़ा सा हिलाया जाए तो बुरी तरह से हिल जाता है. तो इस तरह की इंस्पिरेशन उसको बनाए रखते हैं. आपको सफलता जो है वो और ये अपने आप को टिका के रखा, क्योंकि वही बात पे मुझे आना है, क्योंकि इसलिए मैं आपका मूड परखना चाहता था कि क्या ऐसी बातें करना आपको खुद को सुकून देता है कि नहीं यार ये मैंने किया था और यहाँ जाकर मैं पहुँचा हूँ. तो प्लीज़ आने वाली जो भी नस्ल है, जनरेशन है, जो इस फील्ड में आना चाहती है तो कोई भी फील्ड में, वो ये सोच के आए कोई भी फील्ड में कि मेहनत बहुत करनी है, कोई ये इजी लड्डू नहीं है जो सीधा आके मुंह में आएगा. हाँ. मेरा पहला सवाल है कि जब पापा ने भी बहुत बार टोका था कि क्या नौटंकी है, जब जरूरत है नवाज की इस फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की, उस वक्त आप नौटंकी करते हो, ऐसे उस टाइम भी बहुत डांट पड़ी थी पापा जी की? नहीं, डांट इसलिए पड़ती थी कि ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे हमारी हालत, लेकिन चूँकि मेरे माँ बाप जो थे वो अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ हैं अभी, तो इसलिए वो ज़्यादा करियर में मेरे इंटरफेयर नहीं करते थे. उनको लगता था कि बड़ा भाई है, बड़ा है तो जो कुछ करेगा शायद ठीक करेगा. उनको इतना ब्लाइंडली मेरे पे फेथ था. अगर वो पढ़े लिखे तो शायद मेरे करियर में इंटरफेयर करते कि नहीं एक्टर नहीं डॉक्टर बनो. लेकिन चूंकि मैं एक्टर बन रहा था तो उनको लगा कि ठीक है. लेकिन चक्कर ये था कि इतने साल लग गए थे, तो उनको जब कोई बोलता था कि आपका बेटा बॉम्बे में गया हुआ है अभी तक आया तो कुछ नहीं, उसका बुला लो, उसको कुछ उसके बस का उसका कुछ नहीं है, क्योंकि उसका लुक भी नहीं है, वो दिखता भी एक्टर जैसा नहीं है. तो तब उनको थोड़ा सा वो होता था कि भाई आ जा यार, तेरे बस का उसका कुछ है नहीं. और जब बैठ के बताते थे तो अब्बा जान की कौन सी बात जो सबसे ज़्यादा चुभती थी, मतलब सीधा दिल को, जब क्योंकि गुस्से भी होते होंगे, समझाते भी होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहां आपको बहुत, क्योंकि कई बार समझाया होगा, लेकिन एक ऐसा वाकया जिसमें पापा ने बैठ के बुलाया, बोले यार प्लीज़ अभी बहुत हो चुका? नहीं, वो तो वन नहीं हुआ था, लेकिन वो हमेशा जब मैं उनको बताता था कि मुझे एक रोल मिला है और वो बहुत अच्छा रोल है और ये है, तो वो बोल देते थे कि हाँ ठीक है ठीक है. उनको उन्होंने मेरे पे आस छोड़ दी थी एक्चुअली. उनको ये उनके बॉडी लैंग्वेज से ये मालूम हो गया था मुझे कि इनको मेरे पे भरोसा है ही नहीं एक्चुअली, तो इसलिए वो सुनते भी नहीं थे, चले जाते थे.
घर से तो कोई भी वो सपोर्ट नहीं था कि आप इस फील्ड में आओ, ना इंस्पिरेशन था। वो इंस्पिरेशन किसी ने तो दिया होगा और भरोसा जताया होगा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी पर, वो कौन? हाँ, वो मेरी मदर थी, मेरी माँ थी, जिन्होंने, मेरे ख्याल से हर माँ जो है अपने बेटों को यही चाहती है कि चाहे वो हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर कॉन्फिडेंस दिला देती है कि तू कामयाब होगा एक दिन। वो भले ही उनका झूठा कॉन्फिडेंस था, लेकिन मेरे लिए वो वर्क कर गया। मैं उसको सचमुच लेके चल रहा था कि अगर मेरी माँ मेरे पे भरोसा कर सकती है तो मैं शायद कामयाब हो जाऊँगा। हालांकि हर माँ को होता है, एक झूठा कॉन्फिडेंस की वजह से शायद, और मैं सच समझ बैठा उस चीज़ को, उस झूठी चीज़ को, और मैं उसी ताक में, उसी धुन में लग गया, और एंड ऑफ द डे चीज़ें बनती चली गई। NSD में एंट्री हुई। बहुत सारे लड़कों के, लड़कियों के सपने होते हैं कि NSD में मुझे जाना है। वो भी अगेन कोई इतने इजी टास्क नहीं है कि वहाँ जाके, वहाँ पे भी किसी का हाथ पकड़ना ज़रूरी होता है। वहाँ जाने के बाद भी बड़े बड़े तिस्मार खां वहाँ पे बैठे हुए, ऐसा कि नहीं है कि जितने कैंपस में जितने सब बच्चे हैं सब लोगों को ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं जितने नवाज़ जी को मिले। NSD के कैंपस में पहला कदम, उस दिन की बात मैं याद करानी आपसे कि थोड़ा पास्ट में जाके, जो एक सपना था NSD में पहला कदम, क्या सोच लेके गए थे, किससे मुलाकात हुई थी? एक्चुअली जब मैं NSD में मेरा पहला कदम मैंने जब रखा, तो मेरा जो कल्चरल शॉक पहले मुझे लगा वो ये था कि जो लड़कियां थी वो सिगरेट पी रही थी। तो मैंने, ये क्या है, ये तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। तो लगता है बहुत यहाँ पे तो बहुत ओपननेस होगी, तो अच्छा है, तो बढ़िया है। अब क्या होता है कि मैं गांव से आने वाला आदमी था, तो मुझे लगा कि लड़की सिगरेट पीती है तो इससे तो जाके डायरेक्ट बात कर लो कि चलो मेरी दोस्त बन जाओ और मेरे साथ चलो पार्क में घूमने, तो ये मना ही नहीं करेगी क्योंकि तो सिगरेट पीती है। तो एक दिमाग में जो है ना ये परसेप्शन था, लड़की को देखने का जो है ना, मेरा वहाँ पे आके सिगरेट पीती परसेप्शन चेंज हो गया। लेकिन डे बाय डे जब तीसरा साल हुआ तो मुझे लगा कि सब लड़कियाँ जो है सिगरेट पीने वाली, सब लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, वो बाकायदा मजबूत होती हैं अपने कैरेक्टर को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीते हुए जो आपको ख्याल आया कि किसी को भी पूछ सकते हैं, शायद ऐसी कोशिश भी की थी और उसका अनुभव भी बहुत बुरा हुआ था। हाँ, मैंने एक कोशिश की थी और मैंने एक लड़की को जो मेरी जूनियर थी उसको बोला कि चलो पार्क चलते हैं। तो उसने बोला क्या क्या बात है, क्या हमने कुछ बात करनी है, चलो। तो वो मेरे काफ़ी कहने पे चली गई मेरे साथ पार्क में। पार्क में बैठी मेरे साथ और मैंने इधर देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा था और मैंने उसके हाथ पे हाथ रख दिया। तो उसने कहा ये क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, हाथ रखा है। तो तू कहीं भी हाथ रख देगा? नहीं, ऐसा तो है नहीं, कल को तू कहीं और हाथ रखने लगा तो गलत बात है ना। तो मैंने कहा हाँ गलत बात तो है, परमिशन लेनी चाहिए थी ना, कहीं जाते हो नॉक करते हो ना, ऐसे ये डायरेक्ट घुस जाते हो दरवाज़ा खोल के, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने, और मुझे इतना गिल्ट हुआ, मैं रोने लगा। जब मैं रो के उठने लगा तो उसने हाथ पकड़ के मेरा खींचा कि देख नवाज़, हम मैच्योर हैं, जो भी चाहिए, जो भी चीज़ बोलनी बोलो, मुँह से बोलो, ये नहीं कि डायरेक्ट एक चोरों की तरह हाथ रख दिया है। तो धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ने लगी और यही बात रिफ्लेक्ट हुई गैंगोबासे। और मेरे हिसाब से लगता है कि ये सीन आपने खुद ने ऐड करवाया था अनुराग जी से बात करके। मैंने एक्चुअली, हमारी वर्कशॉप हो रही थी तो वर्कशॉप के दौरान मैंने जिक्र किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो सीन जो है उसमें ऐड कर लिया था। दर्शक मित्रों, अहीं रोकू छू, समय थयो छे विरामनो, परंतु विराम बाद जे तेमनी साथे बनेली घटना हती अने फिल्मांकन कई रीते थयुं ते बतावीए छीए आपने आ दृश्ય। मुस्कुरा कह रहे का है? इसे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। नहीं, हमको लगा कि... क्या लगा आपको? लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब हाथ लगा लेंगे ऐसे हमको? नहीं, हम सोचे कि का वो... सोचे तो सोचेंगे वही करेंगे। पूछना चाहिए आपको, परमिशन लेनी चाहिए। किसी घर जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि अंदर आए कि ना आए ना। कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस।
साथ। अच्छा बैठिए। सॉरी गलती हो गई। सॉरी का बात नहीं है, हम गुस्सा नहीं हो रहे, आपको पूछना चाहिए ना। सॉरी। हाँ पूछ के रखिए, हाथ कोई मना थोड़ी है, परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन लेंगे अभी, हाथ रखेंगे तो। अच्छा रोना बंद करिए। विराम बाद फरिया का स्वागत है आपनों कार्यक्रम अति थीमा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी बिल्कुल एना करता हूँ कि इसके सादगी थी, बिल्कुल सादगी से जीने वाले नवाज जी। अपने आप से कभी बातें भी करते होंगे, क्योंकि इस जिस टाइप के आप कैरेक्टर हो, जहाँ तक हमने फिल्मों में देखा है, आपके इंटरव्यूज में भी पढ़ा है या सुना है, लगता है कि एक ये इंसान ऐसा है जो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बोलता है, डायलॉग किसी सामने वाले बंदे से नहीं करता, उससे कई ज़्यादा डायलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद अपने आप से भी करता है डायलॉग। एक बात खास पूछना चाहूँगा, दोस्त और दुश्मन दोनों जब भी सफलता आती है तो अपने आप उसके साथ जुड़ने लगते हैं। शायद दोस्त एक ज़माने में थे, उससे कई गुना दोस्त बनने के लिए सामने आ गए, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो दुश्मन भी बने होंगे। क्या सफलता के साथ ये बाई प्रोडक्ट होती है? हाँ मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये होती है कि जब आप पॉपुलैरिटी मिलती है या एक मुकाम पे पहुँचते हैं तो बहुत सारे दुश्मन भी हो जाते हैं, बहुत सारे दोस्त भी हो जाते हैं। बट एक तरह से ये एक जो दुश्मन होते हैं वो भी, लेकिन आप अगर अपनी सादगी से या अपने तरीके से चल रहे हैं तो जो दुश्मन भी है वो कुछ टाइम तक रहते हैं, लेकिन वो बाद में वो भी मान लेते हैं कि नहीं इसका रास्ता हम रोक ही नहीं सकते। एक जब आदमी ऊंचाई पे चढ़ता है और फिर उसके कितने भी दुश्मन बने, कोई रास्ता नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको जिसको ऊपर वाला देता है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद जब अगर टैलेंट है तो बट ऑब्वियस है ऊपर वाला भी उसको साथ देता है। बिल्कुल साथ देता है। ओके टर्निंग पॉइंट क्योंकि अगेन ये कॉमन सवाल है, टर्निंग पॉइंट में किसको देना चाहेंगे आप अपना श्रेय? देखिए टर्निंग पॉइंट तो ये है कि लाइक ऑफकोर्स अनुराग कश्यप को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त पे जब मैं कुछ भी नहीं था तब उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे, हालांकि बाद में बहुत काफ़ी बाद में वो टाइम आया गैंग्स ऑफ वासेपुर। अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो आपको बहुत साल पहले बताया था कि आपके लिए एक रोल में अच्छा सा बना रहा हूँ, और वक्त वो आया गैंग्स ऑफ वासेपुर का। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी हुई कि जो आज जिस फिल्म मिस लवली जो मेरी पहली लीड फिल्म थी, तो एक अचानक से आउट ऑफ द ब्लू एक डायरेक्टर मेरे सामने आते हैं और एक मेरा ऑडिशन लिया जाता है और एक फिल्म जो लीड रोल में मुझे दे दी जाती है जिससे पहले मैंने कभी किया नहीं था, वो मिस लवली है। और मिस लवली मैंने जब की तो ओशिम आलूवालिया जो डायरेक्टर थे उनसे सामना हुआ, तो उस फिल्म को करते हुए जो है एक्टिंग में काफ़ी बदलाव आए। वो इसलिए आए क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करके एक क्राफ्ट तो तैयार कर लिया था, लेकिन जब वो फिल्म की शूटिंग की तो उसमें बहुत सारे सी ग्रेड फिल्म के एक्टर थे उस फिल्म में। अब हमारे डायरेक्टर का कहना ये था कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हो ओके, लेकिन मेरे जो ये बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, इनसे मैच करो अपनी परफॉर्मेंस। ओके तो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एक्टर के लिए। अब आपने जो अब सीखा है, जो लर्न किया है, उसको अनलर्न करना होता है और उनके साथ मैच करना होता है। मेरे ख्याल से किसी भी एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके अनुराग जी से आप अगेन आपने क्रेडिट दिया कि अनुराग कश्यप जिन्होंने मतलब ब्रेक दिया, या तो आपके बारे में जो अंदर पड़ा हुआ था कलाकार उसको ढूंढा परखा और बिल्कुल सही मौके पर उसको पेश किया गया व्यूअर्स के सामने, ऑडियंस के सामने। सिंडिकेट, कई बार आर्टिस्ट एक सिंडिकेट में फंस जाता है और उसकी वजह से उसको उसका जो ग्रोथ होता है वो भी कहीं अटक जाता है, ये इंडस्ट्री में देखा हुआ है। इसके गिरोह में आप बैठे हो तो सामने वाले गिरोह आपको बुलाएंगे नहीं कभी, या तो इस गिरोह में जाते ही नहीं हो तो चलो इसको नहीं बुलाते क्योंकि ये इस गिरोह में जाता नहीं है। ये सिंडिकेट वाला मामला अगेन जो एक डोमिनेट करता है इस इंडस्ट्री पे, इंडिविजुअल थॉट क्या है? बिकॉज मुझे पक्का भरोसा है कि नवाज जी को जो खुद को अच्छा लगता है, जो खुद को सच्चा लगता है, वही कहते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन थॉट्स अबाउट सिंडिकेट? नहीं, मेरा बिलीव नहीं है सिंडिकेट पे, क्योंकि मैं जितने भी मेरे काम हैं अगर आप देखेंगे तो वैरायटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स जो बिल्कुल भी एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, उन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लाइक इससे पहले अनवर काजब किस्सा जो बुद्धदेव दास गुप्ता हैं उनके साथ की, और मानसून शूट आउट है एक
बहुत सारी फिल्में हैं। अभी एक किक कर रहा हूँ मैं सलमान साहब के साथ, जो साजिद नटियाड वाले की फिल्म है। तो मेरे सामने तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज और डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, तो मैं तो बिलीव करता नहीं सिंडिकेट पे। मतलब आप नहीं करते इसलिए कहीं वो उस चक्कर में पड़े नहीं हो, अदरवाइज है सही? मेरे ख्याल से जिस तरह की फिल्में हम लोग करते हैं उसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हो सकता है जो बॉलीवुड का जो बड़ा बाजार है शायद उसमें हो, आई डोंट नो, बट जिस तरह की हम फिल्में कर रहे हैं उसमें नहीं है। शम्स जी की बात करें क्योंकि लाइफ में बहुत अहम रोल है भाई साहब का। ओके, बेटी भी शायद उनके वही बड़ी कर रही है आपकी बेटी को, जहाँ अगर मैं गलती नहीं करता हूँ, राइट? शम्स जी के साथ फैमिली में सबसे क्लोज कौन? फैमिली में ऑफकोर्स मेरी सबसे बेटी मेरे क्लोज है एक्चुअली, और मेरे जो भाई है शमास जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चूँकि मैं ज़्यादातर आउटडोर पर रहता हूँ और शूटिंग करता रहता हूँ, भाई छोटा वहीं पर रहता है, तो काफ़ी देख रेख बेटी की काफ़ी वही संभालता है और उससे बहुत ज़्यादा उसको लगाव भी है बेटी। ये इतना मतलब बिल्कुल कम बोलना, आँखों से ज़्यादा बात करते जबकि लफ्ज़ों से कम। ऐसे नवाज़ जी ने कई बार फैमिली में जब शादी के लिए जब देखने गए होंगे कुछ तो बोलना पड़ा होगा, भले कुबूले 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 वो पर्दा रख के किया होगा, लेकिन वो कुछ ये नेचर सही में ऐसा है या अभी कोशिश करते कि यही नेचर पकड़ के रखना है? क्या डर लगता था या तो दिखाना नहीं था, अंदर जो भावना है वो कहीं प्रकट करना नहीं चाहते थे, या तो वो मैं बोलूँ ना, सेंस तो ठीक है वो तो होती है, लेकिन वो शायद टैलेंट नहीं था कि अंदर जो वाली भावना ना वो दिखा नहीं पाते। एग्जैक्टली, वो तो था मेरे अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी लाइफ में दिखा नहीं पाता था, क्योंकि लोग देखना भी नहीं चाहते थे कभी कभी। जैसे ऐसा होता तो बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आते थे, मैं शेयर करना चाहता था लेकिन लोग सुनते नहीं थे क्योंकि एक, और आज और मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है मेरे दिमाग में और अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था मैं रियल लाइफ में, तो इसका कहीं ना कहीं एक मुझे अफसोस भी होता था। नवाज़ साहब को हम स्क्रिप्टेड आर्टिस्ट बताए या नॉन स्क्रिप्टेड, बिकॉज दो टाइप के अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं जो कि स्टेज पे जाते हैं स्पॉन्टीनियस कुछ भी दो परफॉर्म कर लेते हैं। एक आर्टिस्ट होता है जो बिल्कुल स्क्रिप्ट है, जो माहौल दिखाया है उसी तरह से काम करते हैं। अपने आप को किस तरह के आर्टिस्ट आप कहलाना पसंद करेंगे, स्क्रिप्टेड और नॉन स्क्रिप्टेड? मैं ऑफकोर्स दोनों तरह से काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है कि जो स्क्रिप्ट्स ऐसी होती है कि उसके इधर उधर गुंजाइश ही नहीं छोड़ती वो स्क्रिप्ट, और बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट में डायरेक्टर जानबूझ के या राइटर जानबूझ के इतनी गुंजाइश छोड़ देता है कि आप उसको स्पॉन्टेनियसली या इम्प्रोवाइज करके कुछ और किसी दूसरे लेवल पे ले जाए। तो ये डिपेंड करता है स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट के। मैं किसी एक चीज़ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है या मेरे डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करके आइडिया हो जाता है कि ये जो सीन है ये सीन बस लिखा हुआ है लेकिन इसको इम्प्रोवाइज़ करना है या इसको कहीं और ले जाना है, तो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसको एसेंस है, ये इट्स नॉट द डायलॉग्स, सिर्फ एसेंस है, एसेंस के तौर पे इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं देखते हैं। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि उनके इधर अगर जाओगे तो पूरे सीन का मीटर ख़राब हो जाएगा। अवार्ड फंक्शन की बात आती है तो एक ड्रीम था जब अवार्ड फंक्शन में आप गए थे, आपकी कहीं सोच भी आई थी कि सब नाम निकल जाए नॉमिनीज है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम नॉमिनीज में आ जाए और मुझे अवार्ड मिल जाए? कहीं एक वाक्य भी हमने ये सुना था या पढ़ा था कि अवार्ड एक फंक्शन में गए थे और उस टाइम बैठे बैठे नॉमिनीज में नाम नहीं था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और कहीं ऐसा सोचा था कि शायद हो सकता है कि यार मुझे अवार्ड मिल जाए, अवार्ड की ख्वाहिश कैसी रहती है? नहीं, मुझे जो कमर्शियल हमारे यहाँ अवार्ड होते हैं उस पर पूरी बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है। वो बाकायदा और उस वो मिल भी जाए तो इतना कॉन्फिडेंस या इतना प्राउड फील नहीं होता क्योंकि वो दूसरे तरीके से दिए जाते हैं एक्चुअली, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, मैं नेशनल अवार्ड पे बिलीव करता हूँ, एटलीस्ट कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये होता है कि ऑथेंटिसिटी उनकी रहती है उन अवार्ड्स की। जैसे स्टार्स का उपयोग पॉलिटिकल पार्टीज और एडवर्टाइजमेंट में होता है, किस तरह से लेते हैं आप इसको? देखिए, मेरा तो अभी बिलीव नहीं बना है इन सब चीज़ों पर, ना मैंने कोई किया है। मुझे लगता है कि एक्टर को एक डिग्निटी बना के रखनी चाहिए। आजकल जो माहौल क्रिएट हो रहा है कि वो हर जगह पे अपना इस्तेमाल करवा रहा है, वो थोड़ा सा आर्टिस्ट पे नहीं जाते, क्रिएटिव पर्सन पे नहीं फबता।
अपना एक चार्म है, जो गरिमा है उसको बरकरार रखनी चाहिए, किसी के हाथों बिकना नहीं चाहिए। या फाइन, यहाँ रोकूंगा, अगेन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, ब्रेक बाद अंतिम तबकानी बातों नवाजुद्दीन सिद्दीकी से साथ। विराम बाद फरी एक और स्वागत है अपने कार्यक्रम अतिथिमा अंतिम तबका निवातो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी साथ। फ्लैशबैक, हरिद्वार गुरुकुल, कैसा एक्सपीरियंस था? मैंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ से और साइंस था मेरे पास, केमिस्ट्री थी, और केमिस्ट्री बस ये था कि मैंने कैसे तैसे करके पास की, ग्रेजुएशन किया, और पास करने के बाद फिर मैं जॉब की तलाश में लग गया। और पहली बार जो जॉब मुझे मिला वो गुजरात में मिला था, एज ए चीफ केमिस्ट। में SEME पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पे मैंने काम किया बड़ौदा में, और वहीं पे मैंने थिएटर की शुरुआत की। सुरसागर के पास में एक ड्रामा डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर कुछ दिन रहा मैं, और वहीं से थिएटर का चस्का मुझे वहीं से लगा। एक्चुअली मैंने तो अब उस दौरान काफ़ी गुजराती प्लेस देखे, लाइक जैसे थैंक यू मिस्टर ग्लाड, और इस तरह के एक निमिष देसाई थे, आतिश कपाड़िया, उस दौर के। तो उनका फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप दिल्ली चले जाओ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वहीं से मुझे सजेस्ट किया। और उसके बाद मैंने जाना कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी कोई चीज़ है, और फिर वहाँ जाके मैंने फॉर्म भरा और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। आपने बताया जिसका नाम दिया वो बिल्कुल आज की तारीख में भी कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं गुजराती ड्रामा को। मेरा अगेन सवाल बिल्कुल आपके उसी रोचक, जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसी पर, सिखाने वाले कमजोर है या सीखने वाले में वो ताकत नहीं है? क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना वो अगेन इस ड्रामा की फील्ड से इंडस्ट्री में आने वाले बहुत कम है। सीधी कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, मिस्टर XYZ ने एक इंस्टीट्यूट एक्टिंग की खोल दी। जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, इस शो में भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आर्टिस्ट कभी बनाए नहीं जाते, वो पैदा होता है। क्या मानते हैं कि जिस तरह से ड्रामा के लिए अलग अलग स्कूल्स या तो कॉलेजेस है, सिर्फ एक या दो को छोड़ के बाकी खाली पैसा बटोर रहे हैं, डू यू फील दैट? नहीं, जो दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर एफर्ट, या तो उनका सिलेबस नहीं है ना उनके पास अच्छी फैकल्टीज है, बट दे आर क्लेमिंग दैट के वी आर प्रोड्यूसिंग गुड आर्टिस्ट। देखिए, अगर एज फार एज थिएटर इज कंसर्न, तो थिएटर में अपना एक उसकी अपनी एक प्रोसेस होती है। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि वो जो उन्होंने जो एक पैसा लेके सिखाने वाली बात जो कर रखी है, वो जहाँ तक मेरे ख्याल है वो कहीं ना कहीं बिजनेस है, वो वाकई बिजनेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैदा स्टार पैदा होता है, एक्टर नहीं, एक्टर बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए टैलेंट, मैं कहता हूँ कि अगर एक टैलेंटेड आदमी है उसको अगर पॉलिश करके या एक टैलेंटेड आदमी से एक फिल्म करवाई जाए तो वो बहुत अच्छी कर सकता है। लेकिन जब दूसरी फिल्म करवाएंगे तो उसके लिए उसको एजुकेशन की, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो एक टैलेंटेड आदमी होता है उसको अगर ट्रेनिंग से तराशा जाए, उसके टैलेंट को तराशा जाए, तो वो बहुत सालों तक काम कर सकता है, क्योंकि उसको काम करना आता है, डिफरेंट कैरेक्टर करने की उसको नॉलेज है। तो नॉलेज बहुत मायने रखती है किसी भी विधा में, आपके टैलेंट को इम्प्रूव ही करती है नॉलेज, नहीं तो टैलेंट वो वहीं का वहीं थमा हुआ रह जाएगा और उसके डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो ग्रो कर रही हैं, हर चीज़ ग्रो कर रही है, हर चीज़ मूव कर रही है। तो टैलेंट को भी मूव होना चाहिए, वो तभी कर सकता है टैलेंट मूव जब उसको नॉलेज होगी उस टैलेंट को। नवाज जी, अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत सारा अभ्यास भी किया होगा अलग अलग, क्योंकि ऑफबीट स्टार्स जो भी है उनकी कोशिश आप करते होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ट्रेडिशनल जो भी चलती है रूटीन में बॉक्स ऑफिस वाली, वो फिल्म आप इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, कुछ हटके करना है जिसमें सही में कंटेंट हो और एक मौका मिलता है जब आर्टिस्ट को कुछ परफॉर्म करने का, ऐसा रोल ही आप साइन करते हो। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर किसको आप आइडल मानते हैं? मतलब एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर? एज एन एक्टर तो मैं, मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी की रेंज बहुत है, नसीर साहब हैं, और लाइक जेवियर बारडम हैं जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, इस तरह के एक्टर्स डायरेक्टर्स ऑफकोर्स अनुराग कश्यप हैं, आशिम आलूवालिया हैं, श्लोक शर्मा है जो यंग जनरेशन में आ रहे हैं, और इस तरह के डायरेक्टर हैं। कम बोलने वाला बंदा गुस्से ज़्यादा होता है, अपना गुस्सा शायद वो जाहिर करे या नहीं करे लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। नवाज जी के बारे में क्या कहना है? नहीं, मैं पहले काफ़ी गुस्सा हो जाता था, क्योंकि
क्या होता है कि एक तो गुस्से दो तरह के हो सकते हैं, कि लॉजिकल होता है एक, क्योंकि आदत में होता है, या एक लॉजिकल होता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, इस वक्त पे आपको ये कर देना चाहिए था, इस वजह से गुस्सा हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरा गुस्सा था कि पहले कभी था रहा होगा तो वो सिर्फ उसकी वजह से था, लॉजिक की। मैं बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और शाम को 8-7 बजे सो जाते थे, ये डिसिप्लिन था। तो उस डिसिप्लिन जब वो डिस्टर्ब होता था तो गुस्सा आता था। 3 वीकनेसेस अगर मैं पूछूँ आपको, 3 वीकनेस कौन सी जहाँ लगता है कि ये 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 अगर मेरे में नहीं होती तो शायद कुछ रिजल्ट और होता, अच्छा होता। ऐसे थ्री वीकनेसेस कौन सी? मेरी एक वीकनेस है, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ बहुत। दूसरी वीकनेस है कि कभी कभी बहुत ईमानदारी से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कभी कभी ये भी डर लगता है कि कहीं इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, कई बार हुआ ऐसा। और तीसरी क्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज लेने की आदत सी पड़ गई है, वो भी कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाती है। मोस्ट हेटेड थिंग कौन सी है जिससे सबसे ज़्यादा नफरत है नवाज़ को? जजमेंटल होना मुझे उससे सबसे ज़्यादा नफरत होती है, जो आदमी जजमेंट कर देते हैं इजीली किसी भी चीज़ को, पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये ऐसा है, उससे उस आदमी से ज़्यादा मुझे हेटेड। सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? इनोसेंसी अगर कायम है किसी, ऑनेस्टी कायम है किसी में, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत है। ओके, एंड एट लास्ट लाइफ की हैप्पीएस्ट मोमेंट? हैप्पीएस्ट मोमेंट लाइफ की तो मेरे ख्याल से मुझे जब वासेपुर का जब लास्ट सीन मैं कर रहा था, वही शूट आउट कर रहा था जब। ओके, और अंतिम एक आपका डायलॉग, क्योंकि जो बहुत ही पॉपुलर, सब लोगों को पसंद है, या तो आपका कोई भी, और ख़ास करके गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 या पार्ट 2, माँ का, बाप का, भाई का, दादा का, सब दैट इज ऑन टिपिकल योर ऑन टोन, क्योंकि हम चाहेंगे कि बहुत ही पसंद करेंगे हमारे व्यूअर्स। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक मित्रों, आज की खास मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी साथ है। एक एवं आर्टिस्ट के दिल खोली ने एक्ट पण करे छे, दिल खोली ने वात पण करे छे, हाँ कोशिश करे छे दिल खोलवानी, परंतु क्या दबाई दबाई ने કે પોતાના જે સાચા વિચારો છે, કારણ કે તમને પણ ખ્યાલ છે કે અમુક એમના સાચા વિચારો કદાચ બધા લોકોને ગમતા નથી હોતા। નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ફરી મળીશું એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક્સ અગેન।